हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा था, वो किससे बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, क्या वो आपको लेके बातें हो रही थी। ठीक है, तो ये हम देखने वाले व्यूवर्स, जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, या कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, समटाइम ऐसा भी होगा कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे, जो भी आपसे रेजोनेट करे, वो क्लेम कर लें। रीडिंग को व्यूअर्स प्यारा सा अपना एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए व्यूअर्स, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन क्या कर रहे थे, क्या कुछ हो रहा था, क्या था उनके मन में। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव पेगासस, वी हैव प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, लिसनिंग। ओके, बॉटम से हमारे पास है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न। ओके, यहाँ से देखते हैं इस डेक से क्या निकल के आता है, आपको लेके उनके मन में क्या कुछ था वो भी हम चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके मन में, इनके पर्सन के मन में क्या कुछ था, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, आपके लिए व्यूअर्स फोर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फोर नंबर, थ्री नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं ये, 25, 2 और 4, 1, ये नंबर गाइस कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे आज मुझे नज़र आ रहा है। ओके, वी हैव इनर वॉइस, वी हैव फूल। ओके, सोरो, पॉसिबिलिटीज एंड व्यूअर साइलेंस। ओके, बॉटम से यहाँ पे है क्रिएटर। आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, आई थिंक, है ना। कुछ और नंबर मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स, तो नंबर है आपके लिए फिर से हमारे पास टू, इंपॉर्टेंट बहुत है टू नंबर, आप ही आपके पर्सन का हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट हो जो इस तारीख पे, इस महीने में, यानी टू सेकेंड हो सकता है, सेकेंड किसी भी मंथ की सेकेंड तारीख हो सकती है, ठीक है, या फिर फेबररी का मंथ हो सकता है, या फिर सन में कहीं ना कहीं टू इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। नाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड व्यूअर 17 आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं। ओके, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपके पर्सन का यहाँ पर ये आस्पेक्ट दे पा रही हूँ कि आज शाम आपके पर्सन ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कि वो हर वो चीज़ रिमेम्बर कर रहे थे, हर वो चीज़ कहीं ना कहीं कहते ना कि इस रिश्ते में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया, सब वे जैसे कि हर वो गुज़रा हुआ वक्त, गुज़रे हुए वक्त में किए हुए काम, उनको दोहराना, उनको याद करना, उनको मेमोराइज़ करना, उनको काउंट करना। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बस कि ये जो आपके पर्सन है वो हर चीज़ को, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों बुरी चीज़ें हों, लेकिन ये व्यूअर्स एक कहते हैं ना इंसान की एक फितरत होती है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की या अपनी लाइफ में अपनी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छे समय को इंसान भूल जाता है, और उसकी लाइफ में अगर कोई सैड मोमेंट आता है राइट, तो वो सारे जो उसकी लाइफ में खुशियाँ होती है वो उनको इग्नोर कर देता है, उस पर उसका ध्यान नहीं रहता। ये इंसान की टेंडेंसी, वही टेंडेंसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उनका फोकस अपनी लाइफ में, जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, जो उनकी लाइफ में खुशियां हैं, जो आपके साथ में उन्हें मिली हैं या उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही हैं, ठीक है, जो जो उनके अचीवमेंट्स हैं उन पे ध्यान ना जाके आपके पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जैसे किसी नेगेटिव पॉइंट पर आके अटक गया है, किसी कोई मतलब घटना आपके कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे कि खुशियों को जी नहीं पा रहे हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे, नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेज हो जाना, मतलब कहते हैं ना इंसान खुशियों को तो बार बार सेलिब्रेट नहीं करता, खुशी एक बार सेलिब्रेट करी उसे भूल गया, लेकिन जो गम होते हैं ना उसको बार बार दोहराया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है, हाय मेरी लाइफ में ये हो गया, हाय मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्या हो गया, क्यों मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा, जस्ट लाइक ए हाइबरनेट मोड, जैसे कि कंप्यूटर होता है उसको हाइबरनेट पर कर दो, वो अवेकन भी रहता है और स्लीप भी रहता है, ना वो सोया हुआ ना वो जागा हुआ। तो वही आपके पर्सन की गाइस एनर्जी, ना वो दुख में है, ना वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो सुख को जी पा रहे हैं, ना ही वो दुख को, मतलब कहते ना फंस जाना, स्टक हो जाना, वही मैं उनकी लाइफ में देख पा रही हूँ। बस ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं वही यहाँ पे
अपनी लाइफ में कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, मैंने इस पर्सन के लिए भी अच्छा किया, यानी आपके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं यही कहीं ना कहीं काउंट इतना काउंट ऑन करना कि मैंने इस पर्सन के लिए क्या नहीं किया, मैंने इस पर्सन के लिए हर वो चीज़ की, मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता था मैं कर सकती थी, मैंने अपनी तरफ से 100% अपना दिखाया, 100% मैंने अपना इस कनेक्शन में दिया है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में दुख है, फिर भी वो पर्सन खुश नहीं है, यानी आप अभी भी खुश नहीं हो, आपको वो खुश नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा वो क्या करें ताकि वो आपके खुश रख सके, अपनी लाइफ में खुश रह सके। मतलब क्या है ना, हैप्पीनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, जड़े खोदने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे, कि जड़े खोद के निकालो कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखो, उसके ऊपर वर्क किया जाए, तभी कहीं ना कहीं जैसे कि अबंडेंस आएगी, तभी कहीं ना कहीं जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ा जा सकेगा, इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जा सकेगा। तो यहाँ पे बस यही देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, जैसे कि कहते हैं ना, हर वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। हाँ व्यूवर्स, यही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये जो पर्सन है जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को, कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, और प्रॉब्लम अगर है ठीक है तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसको कैसे कहीं ना कहीं ओवरकम किया जा सकता है। बहुत ही व्यूवर्स आपका पर्सन मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आया, जैसे कि ये जो पर्सन है हर तरह से अपने अपने दिल को, अपने दिमाग को हर तरह से ओपन अप करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जिससे कि एटलीस्ट इस कनेक्शन में ना मतलब खुशी आ सके, अबंडेंस आ सके, प्यार मोहब्बत आ सके, अपनापन आ सके, जो डिस्टर्बेंस आ गई है उनको रिड्यूस किया जा सके, दूरियां हैं उनको कम किया जा सके, एक दूसरे के साथ में खुल के बात की जा सके, इंजॉय किया जा सके, ठीक है, एक दूसरे को अपनाया जा सके। जैसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कितना जैसे कि है ही नहीं वो बातें जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए कनेक्शन के अंदर, वही मैं देख पा रही हूँ। बस ये पर्सन अपने अपने माइंड सेट को जैसे कि ओपन अप करने की आज शाम कोशिश कर रहा है, ये कर रही थी, माइंडसेट को जैसे कि थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना, चीज़ों को अच्छाई और बुराई दोनों नज़रिए से कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करना। लेकिन मैं ऐसे देख पा रही हूँ बस कि जितना ज़्यादा इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई में फंसने की कोशिश की, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट में ज़्यादा आपका पर्सन फंस गया है, ठीक है, नेगेटिव थॉट में फंसा है व्यूवर्स ये पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसका दिल ने इसको बोला है, इसकी कहते ना इसके अंदर से वो फीलिंग है व्यूवर्स, जैसे कि कितना इंसान जब ज़्यादा ही कहीं ना कहीं समस्याओं में घिर जाता है तब उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि इनसे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर्सन को व्यूअर्स एहसास हुआ है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि पैचअप करना, रियूनियन करना, नई शुरुआत करना, एक फॉर्मल तरीके से चाहिए शुरुआत करना। जैसे कि यहाँ पर देख पा रही व्यूअर्स, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा ही नज़र आया जैसे कि इस पर्सन ने गलतियाँ बहुत की हैं, जिस गलतियों का खामियाजा आपका पर्सन आज भुगतता हो मुझे नज़र आ रहा है, भुगत नहीं रहा व्यूअर्स, यहाँ पर भुगतना कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा ही मुझे नज़र आया जैसे कि ये जो है ना गलतियों से सबक ले रहा है, ये जो पर्सन है व्यूअर्स गलतियों से, इसने ऐसा नहीं ये सारी गलतियां ये अपने ऊपर ही लेके आ रहा है, नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये सारी गलतियां अपने ऊपर लेके नहीं आ रहा, ये भी कहने की आपका पर्सन कोशिश कर रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में ये थोड़ा ना सारी गलतियाँ ही की हैं, मैंने अच्छाइयाँ भी की हैं, मैंने तुम्हें बहुत प्यार भी किया है, तुम्हारी सपोर्ट भी की है, तुम्हारे साथ में मैंने जो मैं कर सकता था ये कर सकती थी, मैंने वो अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे भी हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, उन चीज़ों से ओवरकम ना करो। तो व्यूवर्स यही मुझे देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है आज जैसे ओवरकम करना है, इसको बाहर निकल के आना है, उस जोन से बाहर निकल के आना है, जिस जोन में जाके आपका पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, बैठ गया है, शांत हो गया। तो ये पर्सन आपका व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे ही नज़र आया जैसे कि बहुत शांत तरीके से, बहुत शांति के साथ में अपनी सिचुएशन से निकलने के बारे में ये पर्सन सोच रहा था, नई उम्मीदें, नई संभावनाएं, नए रास्ते ये तलाशने की आपका पर्सन कोशिश कर रहा था, जिससे ये कहीं ना कहीं आपको अपनी भावनाएं अच्छे तरीके से बता सके, उनको आपको एहसास करा सके कि ये आज भी आपसे कनेक्टेड है, आज भी आपके साथ में कहीं ना कहीं ये लव में है, आपकी आज भी आपके रिश्ते से कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधा हुआ है, चल रहा है उनके साथ में, ठीक है, जस्ट लाइक ये कहते ना एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो वही आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों जब दोनों एक दूसरे के साथ में थे तो चीज़ें बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी, कितने खुश थे हम, और जब से हम दोनों अलग हुए हैं चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, सिचुएशन बहुत टफ हो गई है, ठीक है, उतनी अबंडेंस नहीं है, आज तुम अपनी लाइफ में अपने कहीं ना कहीं
दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया या फिर हमने दोनों ने मिलके कितना कुछ किया, और देखो चीज़ें कितनी, मतलब जो बेहतर थी वो कितनी ख़राब होती चली जा रही है। तो ये पर्सन को एहसास है व्यूअर्स कि जब दो ही, मतलब दोनों मिलके जब कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी, उसी में कहीं ना कहीं हमें फिर खुशियाँ मिलेंगी। तो ये खुशियों के लिए ही व्यूअर्स आपका पर्सन मुझे आज बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आया, जैसे इनको इसको इस पर्सन को व्यूअर्स आपके साथ में वही खुशियाँ वापस से चाहिए जो कहीं ना कहीं नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे व्यूअर्स क्रिएटर की एनर्जी जो यही दिखा रही है कि ये जो पर्सन है फिर से आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना आप दोनों को साथ में आके एक नई लाइफ को क्रिएट करना चाहता है, नई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ये एक नई जर्नी आपके साथ में शुरू करना चाहता है आपका पर्सन। जैसे कि इसको भी एक चांस चाहिए आपके साथ में इस कनेक्शन में आने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए एक मौका चाहिए। ठीक है, उतनी हिम्मत चाहिए व्यूअर्स जाके, ताकि ये जो ब्लॉकेजेस इस पर्सन की लाइफ में लगा दी गई हैं, जो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आ गई है, उनसे ये ओवरकम करे और आपके साथ में एक नई शुरुआत यहाँ पे आपका पर्सन कर सके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो यही दिखाता है कि बहुत कुछ है जो ये रिमेंबर कर रहा है, बहुत कुछ है आज आपका पर्सन, जो कि एहसास दिलाने की आपका पर्सन आपको कोशिश भी करेगा। ठीक है कि हाँ देखो तुमने अगर किया है तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो यही मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना एहसास दिला रहा है कि आप शायद इन चीज़ों को नहीं देख रहे हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया या मैंने तुम्हारे साथ में कितना अच्छे से समय गुजारा है, तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो वही सब चीज़ें दिखाने की आपका पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि यार तुम्हारी नज़रों में वो सब चीज़ें आई ही नहीं हैं, थोड़ा सा ब्लेम करना, थोड़ा सा ये कुछ लोगों को गाइस ये चीज़ें हर्ट कर सकती हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन यही कह रहा है कि ऐसा थोड़ा ना कि सारे ब्लेम मेरे ऊपर ही आ गया है, ये सारी गलती मेरी हो गई इस कनेक्शन में दूरियाँ बनाने की या अकेले आपको अकेलापन देने की या खुद अकेले में रहने की या फिर इस कनेक्शन से बाहर निकलने की, ब्लॉक करने की। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हें मतलब बहुत कुछ करने के बाद में अगर ये तकलीफ या अकेलापन मिला है तो मुझे भी वही मिला है, है ना। तो यही कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास फिर से यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है जो यही दिखाती कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक नई बिगिनिंग के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। फिर से रियूनियन पैचअप की एनर्जी का इस न्यू जर्नी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा एक ओपन माइंडेड होने को दिखाता है कि कहीं ना कहीं पुराने जोन से बाहर निकलना, अपनी लाइफ में जो भी पीछे छूट गई हैं चीज़ें उनसे कहीं ना कहीं, जैसे कि कहते हैं ना जो बातें हैं जो सर्व नहीं करती हैं, जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में दुख देती है, तकलीफ देती है, बस उनको जैसे कि लेट गो करने की गाइस यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन के हाथ में अगर आप देखोगे ना वाइट फ्लावर है ना, और यहाँ पर ये पर्सन भी बस काफ़ी ज़्यादा मुझे होपफुल नज़र आ रहा है। जैसे कि कहते हैं ना फिर से दोस्ती कायम करना, रिश्ते में मोहब्बत कायम करना, फिर से विश्वास जगाना, ट्रस्ट को हासिल करना, वही मैं आज पर्सन का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रही हूँ। बस जैसे कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट को जीतना चाहता है, आपके विश्वास को जीतना चाहता है, ये विश्वास दिलाना चाहता है आपका पर्सन व्यूअर्स कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो करके दिखाएगा जो ये नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर यही आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि समवे तुम मेरी कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझो कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं चाहता या तुम्हारे साथ में आगे बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन व्यूअर्स जैसे ये लग रहा है जैसे कि कोई टफ सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। जैसे सिचुएशन व्यूअर्स कहीं ना कहीं ऐसी थी जो इनको एक्शन लेने से रोकती थी, जो इनको कहीं ना कहीं कहते ना हेल्पलेस बना देना, कहीं ना कहीं इनकी पावर को कैप्चर कर लेना, इनकी विजडम को कैप्चर कर लेना, इनके एक्शन को कहीं ना कहीं रोक दिया जाना। तो ये देख पा रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है जिसमें से ये पर्सन निकलना चाहता है, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहता है। जैसे कोई एक्शन लेना, आपके लिए स्टैंड लेने की बात है या आपके आपके साथ में खड़े होने की बात है, इस कनेक्शन के लिए जैसे कि कहने की बात है, इस कनेक्शन को कि जैसे कि यही डिजर्व करते हैं, ये कहीं ना कहीं यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन व्यूअर्स। जैसे कि ये इस जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, इनको जैसे कि बहुत समय हो चुका है इस जोन में रहते रहते, इस अकेलेपन को सहते सहते, अपनी लाइफ में कठिनाइयों को झेलते झेलते। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये कठिनाइयों भरे समय से अब ओवरकम करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ के एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहता है। जैसे कि बस एक इसको एक नया जीवन की तलाश है व्यूअर्स, यहाँ पे एक नए जीवन की तलाश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो उसकी लाइफ में फ़िलहाल इस पर्सन के पास में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आई है जो यही दिखाती है कि हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं अब न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो रहा है और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत सून एज़ पॉसिबल करना चाहता है। क्योंकि ये अब पर्सन व्यूअर्स कहते ना अपने प्यार से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। यहाँ पे क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी का यहाँ पे सपोर्ट को दिखाती है, यहाँ पे साथ में होने को दिखाती है। ठीक है, जैसे साथ में होना है, सपोर्ट
सपोर्ट होना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, सब रिश्तों में कहीं ना कहीं कहते ना सुलह मशवरा करना है, जैसे कि बस समझना है दूसरे को, समझाने वाली एनर्जी है कि दोनों को जैसे कि एक दूसरे को समझना होगा, वही आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर चाहता है कि आप उनकी परिस्थिति को समझें या आपकी परिस्थिति को समझें, आप इनको भी देखें उस नज़रिए से कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, ठीक है। वही बातें आपको पर्सन आपको याद करा देना चाहते हैं, अगर मेरी सिचुएशन अगर इस समय इस काबिल नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो एटलीस्ट आप मेरे उस वक्त को तो याद करो जिस समय मैं आपके साथ में था या थी और हम दोनों के बीच में सब चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि समय हमेशा से ख़राब था, कभी समय अच्छा भी था और आज समय अगर ख़राब है तो अच्छा समय भी फिर से लौट के आएगा। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये रीडिंग है, आई होप आपके साथ में मैच हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूअर्स मिली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।